समष्टि अर्थशास्त्र की पीरियड नंबर टू में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट परिचय, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा समष्टि अर्थशास्त्र की आधारभूत धारणाओं के कुछ ऐसे शब्द जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में बताते हैं कौन कौन से। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुओं के बारे में कि वस्तुएँ कितने प्रकार की होती हैं। मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा ताकि मैं उस डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं। चलिए हम वस्तुओं के बारे में बात करें। वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा जाता है, उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, यानी कि कंजप्शन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो उपभोग और उत्पादक वस्तुओं को भी दो दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले उपभोग वस्तुएं यानी कि टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं, जबकि उत्पादक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले उपभोग वस्तुएं, नाम से पता है उपभोग, ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है, यानी कि वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतिम उपभोग के लिए खरीदी जाती है और उपभोग कर ली जाती हैं। इन्हें आगे किसी भी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। कोई वस्तु जैसे खाने का सामान हो, खरीद लिया, हमने खा लिया, उपभोग वस्तुएं, कपड़े खरीद के पहन लिए, इसका प्रयोग हम उत्पादन क्रिया में आगे नहीं करते, कच्चे माल के रूप में, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। अब उपभोग वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टिकाऊ के वास्ते में, ड्यूरेबल गुड्स। टिकाऊ का मतलब जानते हो, जो लंबे समय तक टिकी रहती हैं। ऐसी वस्तुएं जो लंबी अवधि तक स्थिर बनी रहती है, यानी कि जो जल्दी खराब नहीं होती, बहुत लंबे समय तक जो है उसकी स्थिति बेहतर होती है और लंबे समय तक उसका उपभोग उपभोक्ता करता रहता है, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे टीवी हम खरीदते हैं तो कई साल तक चलता है, कार कई साल तक, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। ऐसी भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा उपभोग लंबे समय तक करते रहते हैं, जैसे प्रेस हो गया, फ्रिज हो गया, साइकिल हो गई, ठीक है ना, फर्नीचर्स हो गए, इन सबको हम टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा कैटेगरी है गैर टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गैर टिकाऊ जो टिकाऊ नहीं है, यानी कि जिसकी उम्र बहुत ही कम होती है और उपभोक्ताओं के द्वारा शीघ्र भी इसका उपभोग कर लिया जाता है, इसकी आयु छोटी होती है और अल्पकाल में इसका उपभोग कर लिया जाता है, यानी कि इस वस्तुओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि लंबे समय तक उपभोक्ताओं की आवश्यकता की संतुष्टि करते रहे। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है कपड़ों का है, खाद्य सामग्री का है, जैसे साबुन हो गया, ठीक है ना, जैसे परफ्यूम हो गया, ये बहुत जल्दी इसका यूज कर लेते हैं और ये जो है हम उपभोग क्रिया में खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे उत्पादक वस्तुओं के बारे में। उत्पादक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादक द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन वस्तुओं के माध्यम से उत्पादक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करती हैं, उपभोग वस्तुओं का निर्माण करती हैं। और ऐसी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती यानी कि उपभोग के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करते हुए अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, एज ए कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुओं का मध्यवर्ती वस्तु यानी कि मध्य की वस्तु, ठीक है ना। जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ने का प्रयोग किया जाता है, कपड़े के लिए कपास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, मिठाई बनाने के लिए दूध या चीनी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिससे पूंजी का व्यय किया जाता है, ठीक है ना, या ऐसी वस्तुएं जिनकी सहायता से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। पूंजी आपको पता है दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर भी हम जो है वस्तु को बांट सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्थिर होती हैं, मशीन, भूमि, भवन, वाहन, इन सबको पूंजीगत यानी कि स्थिर पूंजीगत वस्तु कहते हैं। और कच्चा माल, अनिर्मित माल, ठीक है ना, ये जो स्थिर नहीं परिवर्तनशील होती रहती है, आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, इसको हम जो है परिवर्तनशील पूंजीगत वस्तु कहते हैं। इसके बाद एक तरह की वस्तु को और पढ़ना होता है, वो है अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु। अंतिम का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो अंतिम होती हैं, इसके बाद इन वस्तुओं से दूसरी कोई वस्तु बनाई नहीं जाती है, इससे उपभोग वस्तु होती हैं,
ऐसी सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से किया जाता है और अंतिम रूप से उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, उसके बाद उस वस्तु का प्रयोग किसी भी प्रकार से दोबारा नहीं होता है या फिर उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा पुनः उसका प्रयोग नहीं होता है इन वस्तु के निर्माण में, ऐसी वस्तुओं को अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे हम कहें साबुन, साबुन फैक्ट्री से बनके दुकान में आ गए, दुकान से उपभोक्ता ने खरीद लिया और घर में आके उसको यूज कर लिया, तो इसका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा क्या है, अंतिम वस्तु है। वस्तु के पढ़ने के बाद जो अर्थव्यवस्था के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मेन टॉपिक दूसरा पढ़ना है वो है स्टॉक और प्रवाह के बारे में, स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहले स्टॉक पढ़ते हैं। स्टॉक क्या है? एक निश्चित समय बिंदु या निश्चित समय पर किसी वस्तु की जो भी जितनी भी मात्रा मापी जाती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। जैसे जैसे हमने सुबह दुकान खोलते हैं, दुकान खोल के जितना भी हमारे पास सामान होता है उस समय हम कहेंगे हमारे पास इतना स्टॉक रखा है। जैसे दूरी होता है स्टॉक, हम इसको एक निश्चित समय में कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। टैंक में रखा पानी स्टॉक है, पूंजी स्टॉक है, मुद्रा की पूर्ति स्टॉक है, क्योंकि इन सबको एक निश्चित समय में ही मापा जाता है। दूसरा प्रभाव, स्टॉक से प्रभाव थोड़ा अलग होता है, विपरीत होता है, ये निश्चित समय में मापा जाता है जबकि ये एक समय अवधि के दौरान मापी जाने वाली मात्रा होती है, यानी कि एक समय से लेके दूसरे समय के बीच में जो भी चलायमान चीज़ें होती हैं, जितनी गतिविधियां हुई हैं, उन सब की मात्रा को हम जो है प्रभाव कहते हैं। प्रभाव को मापने का तरीका होता है, जैसे एक प्रति घंटा होता है, प्रति मिनट होता है, प्रतिदिन होता है, प्रतिवर्ष। जैसे हम बात करते हैं इनकम, आपकी इनकम कितनी है, हम कहते हैं हमारी इनकम जो है 20,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है ना। हमारी इनकम जो है 500 रुपये प्रतिदिन है, यानी कि यहाँ पर पूरे वर्ष के लिए एक समय के अनुसार हम चीज़ों को मापते हैं तो उन्हें हम प्रवाह कहते हैं। एग्जाम में जो मेन पॉइंट एग्जाम में आता है वो है स्टॉक प्रवाह में अंतर, इसके अंतर को समझना होगा आपको। तो स्टॉक और प्रवाह को हम कुछ बिंदुओं के साथ समझते हैं। स्टॉक, स्टॉक का अर्थ किसी एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है, जबकि प्रवाह का अर्थ आर्थिक चर की वही मात्रा है जो किसी समय अवधि के दौरान मापी जाती है। स्टॉक का कोई परिमाप नहीं है, समय परिमाप, यानी कि इसको किसी समय परिमाप के अनुसार, समय बिंदु के अनुसार नहीं मापा जाता है, ठीक है ना। जबकि इसका समय परिमाप होता है जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति मास, ठीक है ना। इसको समय में नहीं बांधा जाता है, इसको डायरेक्ट माप सकते हैं केजी में, लीटर में, ठीक है, इसके साथ समय जुड़ा हुआ नहीं रहता है। स्टॉक स्थैतिक अवधारणा है क्योंकि यहाँ पर स्थिर होता है, ये एक स्थिर अवधारणा है, जबकि ये है गतात्मक अवधारणा क्योंकि जैसे बहता हुआ जल होता है वो बहता रहता है, गति में करता रहता है, जबकि गति में नहीं होता है। उदाहरण जैसे धन होता हमारे पास रखा है, वो गोदान में रखा अनाज हो गया, टंकी में रखा पानी हो गया, मुद्रा पूर्ति या दूरी, ये सब जो है स्टॉक के उदाहरण है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता एक निश्चित समय में, जबकि इस प्रभाव में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उपभोग, हमने कितना उपभोग, हमने कहा कि एक दिन में हमने इतना चावल खा लिया, पूरे दिन की बात की जाती है। निवेश, एक साल में इतना निवेश किया, एक हफ्ते में इतना निवेश किया। आय, नदी का जल, गति, मुद्रा प्रवाह, वह ये सब चीज़ें प्रवाह का उदाहरण है, ठीक है ना। थैंक यू।